everyone, welcome to Olive Boat and welcome to a very new session. So in this session we are going to discuss fun tricks to remember national parks in India. So these tricks are going to be super easy and super fun. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं national parks यानी कि static JK portion आपके सभी banking exam में पूछा जाता है, चाहे banking exam का कोई भी portion हो उसमें आपका जो भी state news में होगा उससे related static JK ज़रूर पूछा जाएगा, जिसमें national parks, wildlife sanctuaries, dances ये सब ज़रूर आते हैं. सो वही हम कवर करने वाले हैं. एंड आज के सेशन के बाद अगर आप नेशनल पार्क्स भूल जाते थे, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क्स होते हैं उन्हें लर्न करना डिफिकल्ट होता है, तो आज के सेशन के बाद आपको नेशनल पार्क्स लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा एंड बहुत ही फन और इजी वे में. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल इट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन. सो द फर्स्ट स्टेट है यहाँ पे केरला. सो केरला के सबसे पहले नेशनल पार्क्स देखते हैं कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट है आपका आनामुदी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क. सो ये फोर नेशनल पार्क्स हैं केरला के. अब इन्हें लर्न करने की ट्रिक क्या होगी. केरला के अन्ना, ईरा और परी हमेशा साइलेंट रहते हैं. तो आपको याद रखना है केरला के जो अन्ना है, अन्ना यानी कि साउथ में अन्ना बड़े भाई को कहते हैं, तो याद रखना है केरला के अन्ना, ईरा और परी दोनों तीनों हमेशा साइलेंट रहते हैं. तो अगर आपने ये सेंटेंस लर्न कर लिया, बहुत ही ईजी वे में आप इस सेंटेंस को लर्न कर सकते हैं. बस क्या करना है, आपको दिन में 2 से 3 बार रिवाइज़ करेंगे एंड आपको ये सेंटेंस लर्न हो जाएगा. फिर इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि केरला के नेशनल पार्क्स कौन कौन से. अन्ना से हो जाएगा आनामुदी नेशनल पार्क, ईरा से हो जाएगा राविकुलम नेशनल पार्क, परी से हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट से हो जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क. सो ये 4 नेशनल पार्क्स हो गए केरला के. द नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं. बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क एंड नगरहोल नेशनल पार्क. अब इन 4 नेशनल पार्क्स को लर्न करने की ट्रिक क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क होते हैं. अभी तो ये सिर्फ हम एक एक स्टेट के डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 4 नेशनल पार्क है, सिर्फ बहुत सारे स्टेट्स हैं. अब हम इन्हें कैसे लर्न करेंगे, तो ईजी ट्रिक क्या होगी आपकी, कर्नाटका के बांदीपुर में अंश का बैनर लगा जिसमें होल हो गया. तो याद रखिएगा कर्नाटका के बांदीपुर का रहने वाला अंश है, उसने स्कूल में टॉप किया होगा, अब उसका बैनर लगा, बट क्या हुआ कि आंधी तूफान आया जिसकी वजह से उसके बैनर में होल हो गया. सो याद रखना है कर्नाटका के बांदीपुर में अंश का बैनर लगा जिसमें होल हो गया. ठीक है, सो बांदीपुर से हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क, अंश से हो जाएगा अंशी नेशनल पार्क, बैनर से हो जाएगा बनरघट्टा नेशनल पार्क एंड होल से आप याद रख सकते हैं नगर होल नेशनल पार्क. ठीक है, देखिए कितना फन एंड ईजी वे में आपने लर्न कर लिया कि कर्नाटका के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं. इसी तरह से इन्हें लर्न करना बहुत ईजी है, बस आप इन्हें रिवाइज करते रहिए. एंड फर्स्ट पार्ट में मैं कुछ स्टेट्स कवर कर रही हूँ. अगर आपकी ट्रिक्स अच्छी लगती हैं लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. डेफिनेटली मैं आप सबके लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डांस, करेंसी एंड नोट्स, इन सब की ट्रिक्स लेके आऊँगी मैं आप सबके लिए. सो यहाँ पे हमारा कर्नाटका हो गया. द नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु. सो तमिलनाडु के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अनामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड पलानी हिल्स नेशनल पार्क. अब इन्हें लर्न करने की ट्रिक क्या होगी, तमिलनाडु के गल्फ में रहने वाले अन्ना को मलाई नहीं पसंद इसलिए वो पानी पीते हैं. सो याद रखना है कि जो तमिलनाडु के गल्फ एक जगह है वहाँ पे रहने वाले जो अन्ना है, अन्ना हमने केरला में भी देखे हैं, अन्ना यहाँ पे भी हैं, अन्ना के साथ मलाई लगा हुआ है, यानी कि अन्ना को मलाई नहीं पसंद इसलिए वो पानी पीते हैं. तो बहुत लोगों को मलाई नहीं पसंद होती, वैसे ही हमारे जो तमिलनाडु के अन्ना हैं उन्हें मलाई नहीं पसंद है इसलिए वो क्या करते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं. ठीक है, तो जो गल्फ है उससे हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्ना से हो जाएगा अन्ना मलाई नेशनल पार्क, मलाई आपने देखा था ना, वहीं मलाई से अन्ना मलाई हो जाएगा एंड मुदु मलाई हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका पानी से आप याद रख सकते हैं पलानी हिल्स नेशनल पार्क. ठीक है, तो देखिए कितने इजी वे में आपने याद कर लिया कि तमिलनाडु के गल्फ में रहने वाले अन्ना को मलाई नहीं पसंद इसीलिए वो पानी पीते हैं. इसे आप अपने डेली यूज़ में भी याद रख सकते हैं कि बहुत से लोगों को मलाई नहीं पसंद होती है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना. तेलंगाना के नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, मृगवानी नेशनल पार्क, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कासुब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क. सो इन्हें लर्न करने की ट्रिक क्या होगी, तेलंगाना का मृग अमराबाद के ब्रह्मानंद और महावीर मंदिर के पास खेलता है. जो तेलंगाना का मृग है, मृग क्या होता है, डियर होता है, हिरन होता है, वो अमराबाद एक जगह है उसके ब्रह्मानंद और महावीर मंदिर के पास खेलता है. तो अमराबाद में 2 मंदिर हैं, ब्रह्मानंद और महावीर, उसके पास कौन खेलता है, तेलंगाना का मृग यानी कि तेलंगाना का हिरन जो है वो अमराबाद के ब्रह्मानंद और महावीर मंदिर के पास खेलता है. सो मृग से हो जाएगा मृगवानी नेशनल पार्क, अमराबाद से हो जाएगा अमराबाद टाइगर रिजर्व,
ब्रह्मानंद से हो जाएगा कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क एंड महावीर से हो जाएगा महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क। ठीक है, तो देखिए कितने टफ नेशनल पार्क्स आपने कितने इजीली लर्न कर लिए एक सेंटेंस से, जो कि है आपका तमिलनाडु का। देन नेक्स्ट स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वेलिया फ्लास नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। सो देखिए इसमें 5 नेशनल पार्क्स हैं। अगर आपको कोई ट्रिक नहीं याद होगी तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इन्हें लर्न करना, बट हम एक सिंपल सी इजी सी फन सी ट्रिक याद रखते हैं। उत्तराखंड के राजा और जिम ने गंगोत्री के पास से फ्लावर्स तोड़े और नंदा देवी को चढ़ा दिए। देखिए मंदिर जाते हैं कोई तो हम वहाँ पे फ्लावर्स चढ़ाते हैं, वैसे ही जो उत्तराखंड के राजा और जिम हैं वो भी बहुत समझदार हैं। उन्होंने क्या किया कि गंगोत्री के पास से, गंगोत्री नदी है उसके पास से उन्होंने फ्लावर्स तोड़े और नंदा देवी को चढ़ा दिए। सो याद रखेंगे आप, उत्तराखंड के राजा और जिम ने गंगोत्री के पास से फ्लावर्स तोड़े और नंदा देवी को चढ़ा दिए। ठीक है, तो राजा से हो जाएगा राजा जी नेशनल पार्क, जिम से हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री से हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, फ्लार से हो जाएगा वेलिया फ्लार्स नेशनल पार्क एंड नंदा देवी से तो हो ही जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क। देन नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापिकोंडा नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अब इन्हें लर्न करने की फ़न ट्रिक क्या होगी? आंध्रा के राजीव ने पापी को श्री वेंकटेश्वर मंदिर जाने को कहा। तो अगर कोई भी पाप करता है तो उसका पश्चाताप करना होता है तो कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। वैसे ही आंध्रा का जो रहने वाला राजीव है उसने पापी से कहा तुम श्री वेंकटेश्वर मंदिर चले जाओ तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो आपको याद रखना है आंध्र से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, राजीव से हो जाएगा राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापी से हो जाएगा पापिकोंडा नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर से हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ओके, द नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश के सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। मौलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क। अब इन्हें लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? अरुणाचल के मौलाना का नाम और काम सबसे अच्छा है। तो किसी का नाम और काम जब अच्छा होता है तो हम कहते हैं ना कि इनका नाम और काम बहुत अच्छा है, वैसे ही अरुणाचल के जो मौलाना हैं उनका नाम साथ ही साथ काम दोनों ही बहुत अच्छा है। तो मौलाना से हम कर सकते हैं मौलिंग नेशनल पार्क, नाम से हम कर सकते हैं नामदफा नेशनल पार्क। सो ये नेशनल पार्क्स हो गए अरुणाचल प्रदेश के, इन्हें फन वे में आप लर्न कर सकते हैं, बहुत ईजी ट्रिक है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेट है असम। सो असम के नेशनल पार्क्स देखते हैं कौन कौन से हैं। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क। सो आपका जो पहले वाला स्टेट था उसमें आपका आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क था एंड इसमें है राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा। सो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? असम में मानस नाम के काजी को डिब्रू के ऑरेंज बहुत पसंद है। तो असम में जो मानस नाम के काजी हैं उन्हें डिब्रू एक जगह मान लीजिए वहाँ की उन्हें ऑरेंज बहुत पसंद है। तो मानस से हो जाएगा मानस नेशनल पार्क, नाम से हो जाएगा नामेरी नेशनल पार्क, काजी से हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू से हो जाएगा डिब्रू नेशनल पार्क एंड ऑरेंज से हो जाएगा राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क। ओके, द नेक्स्ट स्टेट है बिहार। तो बिहार का नेशनल पार्क कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब इसे लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? बिहार में वाल्मीकि का घर है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि बिहार में जो है वाल्मीकि का घर है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे कि बिहार में आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ की जो नेशनल पार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब इन्हें लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? इंद्रावती के 36 कंगन घास में गिर गए। तो इंद्रावती थी वो खेल रही थी पार्क में, पार्क में घास होती है तो उनके जो कंगन थे वो कितने कंगन? 36 कंगन घास में गिर गए। सो 36 से आप आइडिया लगा लेंगे, 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, कंगन से हो जाएगा कांगर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती से हो जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क एंड घास से हो जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। देन नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। सो हरियाणा के कौन कौन से नेशनल पार्क है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, तो इन्हें लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? हरियाणा के सुल्तान कलाकार हैं। तो हरियाणा के सुल्तान जो हैं वो कलाकार हैं। कैसे? सुल्तान मूवी आप सभी जानते हैं सलमान खान की थी और सलमान खान एक एक्टर हैं, एक्टर को क्या कहेंगे? कलाकार कहेंगे। तो सुल्तान कलाकार हैं कहाँ के? हरियाणा के।
सो सुल्तान से हो जाएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कलाकार के कल से आप याद रख सकते हैं कालेसर नेशनल पार्क। एंड नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। सो गुजरात के आपके नेशनल पार्क्स हैं वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क एंड गिर नेशनल पार्क। तो अब इन्हें लर्न करने की ट्रिक क्या होगी, इतने सारे नेशनल पार्क्स होते हैं, अगर ट्रिक नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है इन्हें लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो नेशनल पार्क की ट्रिक होगी, गुजरात के वन में किसी ने ब्लैक बक को मारा और वो गिर गई। तो गुजरात का जो वन था वहाँ पे किसी ने ब्लैक बक है उसको मारा जिसकी वजह से वो गिर गई। ठीक है, सो वन से हो जाएगा वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक से हो जाएगा ब्लैक बक नेशनल पार्क, मारा से आप लगा सकते हैं मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क एंड गिर से हो जाएगा गिर नेशनल पार्क। सो ये सभी स्टेट्स कवर कर लिए हमने। कि और भी किस तरह की ट्रिक्स चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में ट्राई करूँगी कि उन सब की ट्रिक्स बनाकर लैपटॉप लेकर के आऊँ ताकि आपको उन्हें लर्न करना इजी हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।